गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चन कर लिए थे कल। आज एक्सरसाइज 1.2 के का ही थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी मैपिंग कर रखी है रियल नंबर से रियल नंबर पर। कहता है नाइदर 1-1 नॉर ऑन 2, ये प्रूव हमने करना है। रियल नंबर से रियल पर इसकी मैपिंग है और प्रूव करना है। कि ये ना तो 1-1 है ना ये ऑन 2 है। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही हम देख लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। इसको इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसके अंदर वेरिएबल एक्स जो है वेरिएबल, जैसे 1.1 लिख दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट के बाद का जो है इसको छोड़ कर के लिखना है 1। या 2.9 होता तो ये हो जाता 2। 3.5 हो जाता तो 3। इस तरीके से हमने लिखना। अच्छा नेगेटिव में चले जाए तो नेगेटिव का मतलब मान लो नेगेटिव होता 2.9, तो इसका -2 नहीं आएगा, इसका हो जाएगा 3, -3। देखो रियल लाइन पर अगर हम चल रहे हैं 0, 1, 2, 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि पॉइंट से अगर पॉइंट में दे रखा है डेसिमल के साथ दे रखा है तो क्या करना है, उससे पहले वाला लिखना है, जो कंप्लीट वैल्यू है वो लिखनी है पहले वाली। यहाँ भी मान लो 1.5 है तो इससे पहले वाली कंप्लीट वैल्यू क्या जी, ये है 1। ऐसे ही 2.9 होता तो इससे पहले कंप्लीट वैल्यू क्या है, इस तरफ लेस देन साइड पे चलना है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो -1 है, -2 है, -3 है। अगर होता -1.5 तो ये -1.5 देगा हमको -2। तो इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर लिखना है। तो ये फंक्शन हमें दिया गया और कहता है ये प्रूव करे कि ये ना तो 1-1 है ना ये ऑन 2 है। तो इसके लिए देखें हम एक एग्जांपल लेकर के दिखा सकते हैं। 4-1-1 सिंस जो फंक्शन है वो ये है इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो फॉर मैनी वैल्यूज many x belongs to real number, यानी जो डोमेन है डोमेन से बहुत सारे x की वैल्यू same image in codomain, कोडोमेन में एक की ही बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। कैसे चेक करके देखें, मान लो यहाँ पर है हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर पर मैपिंग कर रखी है, तो रियल से रियल पर मैपिंग कर रखी है जो 1, 2, 3, 1.5, 2.5 इस तरीके से आप लिख लो। तो देखो 1.9 भी मैं लिख लूँ तो इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, तो 1 की इमेज हो जाएगी 1,
1.5 की भी 1.9 की भी 1, तो दिस इट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1. So function is not 1 1. फंक्शन 1 1 नहीं है. ये फंक्शन 1 1 नहीं है. अब ऑन टू के लिए तो ऑन टू के लिए देखें, इसमें ऑन टू के लिए भी बहुत सारी वैल्यूज खाली पड़ी हैं. जैसे इसमें देखो आप, या 1.5 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा. तो ये सारी वैल्यूज रियल नंबर के अंदर पड़ी है, लेकिन 1.2, 1.5, 1.3 यानी डेसिमल वाला जो भी पॉइंट है, जो भी एक वाई है डेसिमल वाला, वो किसी की भी इमेज नहीं है. तो देयर इज मैनी y belongs to real number, यानी कि कोडोमेन. कोडोमेन में से बहुत सारे y इस तरीके से के हैं. Such that वाई किसी भी एक्स की इमेज नहीं है. सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू. फंक्शन ऑन टू नहीं है. ये फंक्शन ऑन टू नहीं है. तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है, ना ये ऑन टू है. यही हमने प्रूव करना था. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में देखें, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन इज, ये शो करना कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो ना तो 1 1 है, ना ऑन टू है. तो मॉडुलस फंक्शन की खासियत होती है कि पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव देगा ही आंसर, लेकिन नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव आंसर देगा. तो इसको इससे डिनोट करते हैं दोनों तरफ ये मॉडुलस का निशान लगा करके. अब देखें, मैपिंग रियल नंबर से रियल पर ही कर रखी है. तो पहले मैपिंग ही देख लो. मैं सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू और पॉजिटिव वाली वैल्यू रख लेता हूँ, डेसिमल वाली रहने देता हूँ. तो देखें, इसमें मॉडुलस है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला सेम इमेज देगा. 0 की इमेज 0, 2 की और -2 की सेम, 3 की और -3 की भी सेम. सेंस फंक्शन इसको नॉट 1 1 प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल लेकर के करें वो भी काफी है. तो हम देखें, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ये है. जब हम -1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1. जब हम 1 पुट करेंगे
तो भी आंसर वन होएगा। टू पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा टू, माइनस टू पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा हमारा टू। तो इससे पता चल रहा है कि फंक्शन में भाई माइनस टू और टू की में सेम है, बट टू नॉट इक्वल टू माइनस टू। मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है इज नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट वन वन, तो ये फंक्शन जो है वन वन फंक्शन नहीं है। और ऐसे ही ऑन टू के लिए भी चेक करो भाई, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये किसी की भी इमेज नहीं है। ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री किसी की भी इमेज नहीं है। तो देयर इज मैनी वाई बिलोंग्स टू कोमेंट सच दैट ये किसी की भी इमेज नहीं है। तो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ना ये फंक्शन वन वन है ना ये फंक्शन ऑन टू है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रियल से रियल पर ही मैपिंग करवाई गई है और फंक्शन दे दिया, साइनम फंक्शन है, फंक्शन दिया गया है। वन जीरो माइनस वन, वन जीरो माइनस वन, अगर x जीरो से बड़ा है x इक्वल टू जीरो है और x लेस देन जीरो है। अगर x लेस देन जीरो है तो फंक्शन ये वाली वैल्यू देगा, x जीरो है तो जीरो देगा, और x ग्रेटर देन वन जीरो है तो फंक्शन वैल्यू देगा हमें वन। तो वन वन के लिए चेक करें, भाई हमने ले लिया जीरो से छोटा, मैंने ले लिया वन, वन के लिए क्या इमेज है, सॉरी जीरो से बड़ा मैंने वन ले लिया, जीरो से बड़ा वन लिया, वन का इमेज है वन, टू की इमेज भी वन, थ्री की इमेज भी वन। तो देखें यहाँ पर एफ वन इक्वल टू एफ टू, बट वन नॉट इक्वल टू टू, तो मत इसका मतलब है कि फंक्शन इज नॉट वन वन, कि ये फंक्शन वन वन नहीं है। मैपिंग करके देखें, ये रियल नंबर है, यही ले लिया हमने, यहाँ पे सिर्फ ये तीन ही है, वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हैं तो बहुत सारे, लेकिन इमेज जो है वे तीन तीन ही इमेज बन के आ रही है। जीरो की इमेज जीरो है, जीरो से छोटा यानी कि माइनस वन है, तो माइनस वन की इमेज भी यही, माइनस टू की भी यही, माइनस थ्री की भी यही, माइनस फोर की भी यही आएगी। वन की इमेज वन, टू की भी वन, थ्री की भी वन। तो इस तरीके से देखें कि बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज है तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। ऐसे ही इधर माइनस टू किसी की भी इमेज नहीं है, माइनस थ्री किसी की भी इमेज नहीं है, माइनस फोर किसी की भी नहीं है। इसी तरीके से अनेकों ऐसे एलिमेंट्स हैं रियल नंबर के अंदर जो
कोडोमेन के अंदर जो किसी की भी इमेज नहीं है, और प्लस वाले भी प्लस यानी कि प्लस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी बहुत सारे एलिमेंट, अनेकों अनेक एलिमेंट्स ऐसे पड़े हैं इसके अंदर जो किसी की भी इमेज नहीं है, किसी की भी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन ना तो वन वन फंक्शन है ना ये ऑन टू फंक्शन है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हमें, कि एक एलिमेंट है, सॉरी एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7 एंड फंक्शन दे दिया हमको 1, 4, 2, 5, 3, 6 और फंक्शन इस तरीके से है ए टू बी है कि ए की भी मैपिंग बी पर है, तो ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन वन वन है। तो देखो ए से बी पर मैपिंग है तो ए बी यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है, तो ये 1-1 प्रूव हो। देखो 1-1 के लिए क्या था भाई, एक की इमेज एक ही हो, अलग अलग इमेज होनी चाहिए इस वाले के सब की, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट है तीनों की अलग अलग इमेज है, तो ये फंक्शन 1-1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस For every x belongs to A, एक A से कोई भी x दिया हमने, there is डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इमेज इन बी, बी के अंदर इसकी अलग अलग इमेज है, या यू कह ले दूसरे शब्दों में फॉर एवरी एक्स वन x2 belongs to set A such that fx1 equal to fx2 we have x1 equal to x2, कि भाई अगर हम फंक्शन एक जैसा लेकर चले तो इमेज भी सेम मिलने वाली है, तो ये 1-1 प्रूव हो जाएगा। या अपने शब्दों में लिख दिया हमने फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए देर इज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, तो सेट बी में इनकी अलग अलग इमेज हैं, तो इसका मतलब फंक्शन इज 1-1। तो क्वेश्चन तो ये यहीं तक कंप्लीट हो चुका है, आगे ये करना चाहे या ना करना, ये नहीं करना इसमें, ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं करना है। तो ये यहाँ तक का क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट। सेवंथ क्वेश्चन में, सेवंथ के दो पार्ट है, बाइजेक्टिव प्रूव करना है, बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन को 1-1 भी प्रूव करना है और फंक्शन को ऑन टू भी प्रूव करना है।
रियल नंबर से रियल पर मैपिंग है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स। ये फंक्शन है और ये प्रूव करना है, ये वन वन भी है ऑन टू भी है। तो ध्यान से देखें, रियल नंबर से रियल पर मैपिंग है, अनेकों अनेक एलिमेंट भरे पड़े हैं, पॉइंट डेसिमल वाले भी फ्रैक्शन वाले भी हैं बगैर फ्रैक्शन वाले भी हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ इनको ही लिखा है, जैसे जिस तरीके के इंटीजर हैं वो लिखे गए हैं अभी। तो यहाँ देखें, मैं यहाँ से x कोई भी एक वैल्यू उठाऊं, कोई भी एक वैल्यू यहाँ से उठाई जाए, यानी यहाँ से कोई भी एक x उठाऊं, इस फंक्शन में पुट करूं, तो यहाँ से मेरे को कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी जो रियल नंबर से बिलोंग करती होगी पक्का, चाहे आप पॉइंट वाली ले ले या बगैर पॉइंट वाली ले ले, पक्का इसमें आएगी वो वैल्यू। कोई भी वैल्यू आप ले लें, यहाँ से आप कोई भी x उठा करके रखें। तो देखें, वन वन के लिए, वन वन प्रूव करने के लिए फंक्शन को हम दो वैल्यू लेकर के चले, अगर हम उनको इक्वल लेकर के चले, फंक्शन को इक्वल लेकर के चले, और वो एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएं, तो कहेंगे वन वन है। और अगर फंक्शन को अलग अलग लेकर के चलें और एलिमेंट्स भी और एलिमेंट्स फिर भी इक्वल आ जाएं, तो वो वन वन नहीं है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मतलब ये डोमेन दिया रियल नंबर, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, सच दैट फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू यहाँ ले लें, फॉर एवरी एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सच दैट, इस तरीके से हम इसको लिखें, सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर फंक्शन बराबर लेकर के चले तो एक्स वन और एक्स टू भी इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ से थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस फोर एक्स वन माइनस फोर एक्स टू हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो किन्हीं दो को अगर हम बराबर लेकर के चले तो इमेज भी सेम मिलेगी, तो इसका मतलब फंक्शन इज वन वन। तो ये फंक्शन जो है वन वन है। अब ऑन टू की बारी, तो देखिए यहाँ से अगर हम कोई भी एलिमेंट लेकर के चले तो उसकी इमेज उधर मिलने वाली है, पक्का मिलेगी। कोई भी वैल्यू आप लेकर के चले, तो लिखें इसको हम इस तरीके से, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन से कोई भी एक समझ लिया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन डोमेन सच दैट
y इक्वल टू एफ एक्स, तो y एफ एक्स से इक्वल हो जाएगा। चेक करके देख लें, दूसरे शब्दों में आप इसको लिखना चाहें तो देखें यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। एफ एक्स को अगर हम एफ एक्स की वैल्यू दिए हमें, तो x क्या सिलेक्ट करें आप या y क्या सिलेक्ट करें, y तो इस टाइप का सिलेक्ट कर लें, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये। तो देखें अगर हम फंक्शन में जो हमें फंक्शन दिया गया है उसमें x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें, ये हम लेकर के चले वहाँ पर, तो हमें 3 माइनस 4 y मिलना चाहिए वापस, तो x की जगह पर हमने लिखना है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस 3, तो वापस y मिल गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो दूसरे शब्दों में अगर आप इसको लिखना चाहें इफ वी सिलेक्ट x एज, हम x की जगह लिखे इफ वी सिलेक्ट x एज 3 माइनस वाई बाय 4, देन तो x की जगह हमने ये लिखना है तो देखिए ये हमने सिद्ध लिया था वाई को ला गया, तो इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर है, सॉरी इसकी हर एक वैल्यू के लिए इधर कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर है जिसके लिए ये इमेज होगी। फंक्शन इज ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू है, ऐसा ही सेवंथ का सेकंड पार्ट, सेवंथ के सेकंड पार्ट में रियल नंबर से रियल पर ही मैपिंग है, फंक्शन चेंज कर दिया गया है, सिर्फ फंक्शन आया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। सेकंड पार्ट में फंक्शन दिया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, अब हमने ये चेक करना इसमें कि ये 1 1 है ऑन टू है या दोनों ही है, तो यहाँ तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो चुका है, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में अब ये फंक्शन जो उसने दिया, फंक्शन में चेक करें हम यहाँ पर x की पावर 2 दे दी, स्क्वेयर है x स्क्वेयर है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 लें जब भी इमेज सेम है, x की वैल्यू -1 लें तब भी इमेज सेम हो जाएगी, 1 की इमेज भी 1, अगर हम x की वैल्यू 1 लेकर के चलते हैं तो उसकी इमेज आएगी हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी कि 2, -1 ले तब भी उसकी इमेज यही आएगी। तो दो फंक्शन दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो देखें फॉर एवरी x1
एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इस डोमेन वाले पार्ट से हम लें, सच दैट इस तरीके से हम लें कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स वन स्क्वेयर और वन प्लस एक्स टू स्क्वेयर, तो यहाँ से वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन स्क्वेयर इक्वल टू, तो एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए था, लेकिन एक्स वन तो किसके इक्वल हो गया, प्लस एक्स टू के भी और माइनस एक्स टू के भी, यहाँ पर माइनस नेगलेक्ट नहीं करें क्योंकि रियल नंबर से रियल में मैपिंग हो रही है, तो इसलिए एक वैल्यू के लिए दो आंसर आ रहे हैं, या यूं कह लो कि दो वैल्यूज के लिए एक आंसर आ रहा है। तो यहां हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट वन वन, कि ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन नहीं है। अब ओन टू के लिए चेक करें, ओन टू में भी जो नेगेटिव है उन वे तो किसी की भी इमेज नहीं होंगे, तो फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट कि हरेक वाई के लिए यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस जिसकी वो इमेज हो जाए। देयर इज नॉट एग्जिस्ट, या अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं फॉर मैनी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर इज नो एलिमेंट इन ये जो कोडोमेन है ये डोमेन है, तो डोमेन से रिलेटेड ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है सच दैट बहुत सारे वाई के लिए y इक्वल टू एफ एक्स, कि y एफ एक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो y को एफ एक्स से इक्वल नहीं है यहां पर। देयर इज नो एलिमेंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y जो है इधर से रिलेटेड है, x जो है डोमेन से रिलेटेड है, वाई को डोमेन से रिलेटेड है। एट्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट्थ क्वेश्चन में कहता है कि दो सेट हैं ए एंड बी, उनकी मैपिंग करवा रखी है ए क्रॉस बी से, बी क्रॉस ए पर मैपिंग है सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए। हमने ये प्रूव करना ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि ये वन वन भी है ऑन टू भी है।
ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है। क्रॉस का मतलब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, ये 11th क्लास में पढ़ते हो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ देखें, फॉर एवरी ए वन बी वन ए टू बी टू बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, सच दैट ए टू बी टू This implies B1 A1 B2 A2 इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इज वन वन, फंक्शन वन वन है और फॉर एवरी y belongs to every b a belongs to b cross a, b cross a से belong करता है जो, वहां से हमने एक एलिमेंट उठाया कार्टेशियन प्रोडक्ट का और उसको हम लिखें there exist एन एलिमेंट y की बजाय देखना हमने देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी सच दैट, इस तरीके से होगा एफ ए बी इक्वल टू बी ए, पक्का मिलेगा इसमें is on to। तो ये on to फंक्शन है, तो फंक्शन is on to, तो ये फंक्शन वन वन भी है, ये फंक्शन on to भी है, तो ये bijective फंक्शन हो गया। इसमें बहुत सारे ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री आप लिखते जाए, ऐसे ही यहाँ पर बी वन ए वन बी टू ए टू बी थ्री ए थ्री, तो इस तरीके से लिख लें। तो ये था 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th, नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है मैपिंग ए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर और फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन प्लस वन बाई टू और एन बाई टू, ये कब लेना है
ये लेना है इफ एन इज ओड, और ये लेना है इफ एन इज इवन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां देखें तो भाई जब ओड मतलब विषम और इवन मतलब सम, तो जब विषम है एन अगर ओड है तो हमने ये फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं वन दूंगा तो क्या वन प्लस वन यानी कि वन प्लस वन यानी टू, टू बाई टू वन आएगा, इमेज वन है तो वन की इमेज वन, टू की इमेज भी, क्योंकि तो जैसे टू लिया जाएगा टू बाई टू, थ्री लेंगे थ्री प्लस वन बाई टू यानी फोर, फोर बाई टू यानी टू, फाइव के लिए फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई टू यानी थ्री, और सिक्स है तो सिक्स बाई टू डायरेक्ट, तो सेवन की और एट की सेम इमेज आएगी, और ऐसे ही नाइन और टेन की सेम इमेज आएगी। तो इस तरीके से इमेज आती चली जाएंगी यहाँ पर, तो ये उसने मैपिंग हमको करके दे रखी है। तो अब हम सवालों को सोल्व कर ले, यहाँ से देखने से पता चल रहा है 411 कि ये फंक्शन 11 फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन 11 नहीं है। क्यों नहीं है 11? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स के लिए एक इमेज बन के आ रही है, हर बार दो दो एलिमेंट्स की एक एक इमेज है, तो दो एलिमेंट्स की जब एक इमेज होगी तो ये फंक्शन 11 फंक्शन नहीं होगा। और ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन जरूर होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट खाली नहीं मिलेगा हमको जो किसी ना किसी की इमेज ना मिले, तो हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज जरूर होगा, तो ये फंक्शन ऑन टू जरूर है, लेकिन ये फंक्शन 11 नहीं है। फॉर वन एंड टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट fx1 इक्वल टू f2। भाई इनकी वन की और टू की इमेज सेम है, बट वन नॉट इक्वल टू टू, वन टू के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इज नॉट 11। तो नॉट 11 दिखाने के लिए एक एग्जांपल ही काफ़ी है, दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि देर इज मैनी x belongs to, या देर इज टू एक्स बिलोंग्स टू डोमेन हैव सेम इमेज, हर बार तो दो की सेम इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन 11 फंक्शन नहीं होगा, 11 फंक्शन नहीं होगा। तो 11 नहीं है तो आगे इसको बाइजेक्टिव प्रूव करने में इतना ही काफी है, सिंस फंक्शन इज नॉट 11, 11 नहीं है, सो इट इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। 11 नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, बाइजेक्टिव तो तभी होता जब ये 11 भी होता और ऑन टू भी होता। अभी ऐसे ही 10th क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, सेट ए दे दिया और रियल नंबर से ये 3 हटा करके दिया है, यानी रियल नंबर का सेट लेना, लेकिन उसमें से 3 को हटा देना, 3 नहीं लेना। और ये सेट दे दिया हमें, बी सेट दिया, रियल नंबर के सेट में से 1 को हटा देना है और फंक्शन की मैपिंग ए से बी पर है और फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड किया गया x-2 and x-3। ये फंक्शन हमें दिया गया है, चेक करना कि ये फंक्शन 1-1 है, ऑन 2 है क्या ये। तो देखें 1-1 के लिए हम चेक करें 4-1-1 तो कोई भी दो वैल्यूज ले ली, फॉर एवरी x1 and x2 बिलोंग टू सेट ए, सेट ए से बिलोंग करती दो वैल्यू ले ली, ए से कौन कौन सी वैल्यू, रियल नंबर में से 3 नहीं लेना, 3 ले लोगे, देखो 3 ले लोगे तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसलिए पहले 3 को मना कर रखा है। तो x1 x2 अगर सेट ए से हमने दो एलिमेंट्स लिए और इस तरीके से लिए गए सच दैट कि ये दो एलिमेंट्स इस तरीके से है कि फंक्शन x1 पर और फंक्शन x2 पर सेम इमेज दे रहे हैं, तो अब हम चेक कर लें कि क्या वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो ये आ जाएगा x1-2 / x1-3 और x2-2 x3-x2-3। तो ये बन गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x2-3 x2-2 x1-3। तो ये हो गया x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6x2 x1 - 3x2 - 2x1 + 6। तो देखे x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, +6 से +6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा -3x1 - 2x2 - 3x2 - 2x1। x2 वालों को एक तरफ ले आए तो ये +x3x2 हो जाएगा -2x2, और x1 वालों को भी एक तरफ कर लें तो 3x1 और 2x1। तो यहाँ से बचेगा x1 = x2, यानी कि जो हम लेकर के चले थे, जो हमने प्रूव करना था x1 = x2, तो इसका मतलब ये फंक्शन इज 1-1, ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। अब इसी तरीके से हम ऑन 2 के लिए चेक करेंगे, ऑन 2 के लिए देखें for every y belongs to set B। फिर सेट बी से कोई भी एलिमेंट दिया हमने, वो किसी ना किसी की इमेज जरूर मिलेगा हमको, चेक कर लेते हैं हम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बी सेट कैसा है, बी सेट है उसमें से रियल नंबर का सेट है, लेकिन 1 नहीं सिलेक्ट करना है हमने। देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट एक्स There exists an element X belongs to set A such that, set A से belong करता such that y = fx, यानी अगर हम if we select, तो अगर हम यहाँ से कोई भी सेट बी में से
कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करे, सेट बी में टू वन नहीं है तो जीरो टू थ्री, पॉइंट वाले भी है बगैर पॉइंट वाले भी है, वन टू थ्री नहीं है, इसमें फोर है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ऐसे ही करें तो देखें यहाँ से कोई भी एलिमेंट लो वो पक्का किसी ना किसी इधर वाले किसी ना किसी की इमेज ज़रूर होगा, तो वो सिलेक्ट किस तरीके से करना है? हमने यहाँ लिखा वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो सिलेक्ट करने का तरीका नहीं, मल्टीप्लाई करवा लो वाई एक्स माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, और ये हो गया थ्री वाई माइनस टू, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन, तो थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई, अगर हम सिलेक्ट कर लें एक्स को, इफ़ वी सिलेक्ट एक्स एज थ्री वाई माइनस टू डिवाइड बाई वाई माइनस वन, देन फंक्शन में जो फंक्शन दिया हुआ उसमें एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते जाओ, अगर ये वाई आंसर दे दे हमको तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, तो देखें वाई की एक्स की जगह पुट करना है, ये थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन माइनस थ्री, एलसीएम लिया जाए थ्री वाई माइनस टू माइनस टू वाई प्लस टू वाई माइनस वन वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस टू माइनस थ्री वाई प्लस टू माइनस थ्री वाई प्लस थ्री, तो देखें जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर दे, थ्री वाई से थ्री वाई कैंसिल, तो ऊपर से बचेगा थ्री वाई में से टू वाई कैंसिल हो गए तो वाई, और नीचे थ्री में से टू गए तो वन, तो ये आ गया वाई, तो हमने ये वाई ये सिलेक्ट किया एक्स की जगह वापस वाई आ गया, तो पक्का इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा डोमेन में जो इसके किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा ही होगा, तो ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, ये फंक्शन वन वन भी ऑन टू भी, तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो हमने दिखाना था इसको सिर्फ वन वन और ऑन एंड ऑन टू, वन वन भी है ये फंक्शन ऑन टू भी है ये फंक्शन। इसी का 11th क्वेश्चन, तो 11th क्वेश्चन में कहता है एक फंक्शन की मैपिंग कर रखी है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और फंक्शन दे दिया डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर, तो बताएं ये क्या किस तरीके का फंक्शन होगा, वन वन ऑन टू किस टाइप का, तो देखिए अगर हम रियल नंबर से वैल्यू उठाएं, मैंने माइनस वन ले ली और वन ले ली, तो जैसे माइनस वन की पावर फोर करूँगा वन की पावर फोर करूँगा सेमी में जाएगी, तो सेमी में जाएगी तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, इमेज सेम आ गई। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से ये चेक करें कि माइनस टू किसी की इमेज होगी, माइनस टू किसी भी फंक्शन किसी भी पॉइंट की इमेज नहीं है, ऐसे ही माइनस थ्री भी किसी भी पॉइंट की इमेज नहीं है, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ना तो वन वन है ना ये ऑन टू है, तो इसके ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था ये जीरो वन टू वन टू थ्री, तो देखिए वन की भी इमेज वन है, टू की भी माइनस वन की भी,
टू की इमेज माइनस टू की, थ्री की माइनस थ्री की और थ्री की इमेज जो है सेम टू सेम है, जीरो की जीरो है। तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। और अगर हम चेक करें कि ये जो माइनस वन है, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये नहीं है इमेज किसी की भी, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो ये नाइदर वन वन नोर ऑन टू। अब ट्वेल्थ क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन में कहा कि एक फंक्शन है मैपिंग रियल नंबर से रियल नंबर पर ही की गई है, रियल से रियल पर मैपिंग की गई है, और कहता है फंक्शन में, फंक्शन को डिफाइन किया गया थ्री एक्स। तो ये फंक्शन किस टाइप का होगा, वन वन होगा, ऑन टू होगा। तो देखें हर एक वैल्यू के लिए किस कोई भी वैल्यू ले लो आप, एक्स वन एक्स टू, अगर हम दो फंक्शन की वैल्यू लेकर के चले हैं एक्स वन के लिए एक्स टू के लिए, तो थ्री एक्स वन इक्वल टू थ्री एक्स टू, यानी कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा ही होगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो ये फंक्शन हमारे पास आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास वन वन, क्योंकि एफ एक्स वन एफ एक्स टू को इक्वल लेकर के चले थे, तो एक्स वन एक्स टू आ गया इक्वल, तो ये फंक्शन वन वन है। और आप चेक करें कि कोई भी वैल्यू अगर हम लेकर के चले डोमेन से, डोमेन से कोई भी वैल्यू अगर हम लेकर के चले, तो हमारे पास ऐसा कोई ना कोई एक्स जरूर मिलने वाला है, थ्री एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो गई वाई बाय थ्री। तो पक्का डोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो पक्का किसी ना किसी की इमेज जरूर मिलने वाले हैं। अगर हम एक्स की जगह ये मान के चले तो हमें वाई मिलना चाहिए, तो थ्री एक्स की जगह ये लिखना है तो वाई। तो ये फंक्शन वन वन भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन वन वन भी ऑन टू भी। तो इसमें सिलेक्ट करके बताना था चार ऑप्शन में से। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, आज के लिए इतना ही, अगली एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करते हैं।